इंडिया के लगभग 10-12 मैन्युफैक्चरर से संपर्क में आया, 2-3-4 से तो मैं वर्बली जाके मिला, बट कहीं भी मुझे आपका 50, हम लोग भी पूरे इंडिया को गरीब से देखें, उन जगह पर नहीं जा सभी लोग जाते हैं, उन जगह पर जा कोई नहीं जाता। Hello, adventure lovers, and welcome to The Honest Review. This is your host, Vidushi. If you're new here, Motorhome Adventures is a 25-plus-year-old company that rents and builds all things home on wheels and more. Chahe wo ek food truck ho, chahe wo ek club on wheels ya party bus ho, ya fir ek chalta firta ghar ho. Aapki requirement aur hamari technical team dono milke jo aapka dream vision hai, wo pura karti hai. और इन्हीं कस्टमाइजेशंस को जब हमारे क्लाइंट्स रेंट करते हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाते हैं, तो हम उनका ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेते हैं, जिसमें वो अपना फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आज हमारे साथ है शाइलो के ओनर मिस्टर देवेंद्र पालीवाल जी एंड मिसेस श्रद्धा पालीवाल जी। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माय नेम इज देवेंद्र पालीवाल, आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान। ये जो प्रोजेक्ट है, ये लगभग हमारे दिमाग में आया था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, 1991 to 1993। बट जिंदगी की भाग दौड़ में कभी फुर्सत मिली नहीं। अब पिछले 1-2 साल से हम कोटा में हॉस्पिटलिटी वाले बिजनेस में हैं। हमारे कोटा में लगभग 2 लाख बच्चे ऑल इंडिया से पढ़ने आते हैं, लगभग 30-40 हज़ार के आसपास पेरेंट्स वहाँ पर रहते हैं। वो लोग कोटा आते हैं और आसपास उनको हाड़ौती को एक्सपोज करना है मुझे। साथ में दिमाग में आया कि रिटायरमेंट के बाद में आफ्टर 50 हम लोग भी पूरे इंडिया को गरीब से देखें, उन जगह पर नहीं जा सभी लोग जाते हैं, उन जगह पर जा कोई नहीं जा, उसके लिए पर्सनल व्हीकल होना जरूरी, व्हीकल भी ऐसा जिसमें सब कुछ हो। और वैसे में सर्च करने में आपका वीडियो सामने आया, आपसे बात हुई, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आफ्टर दैट जब संजय भैया से मिले तो और अच्छा लगा। शिवरात्रि के दिन हम यहाँ पर आए और फर्स्ट मीटिंग में वो जो भी बोलते हैं बिल्कुल सच लगता है। और अब जब आज गाड़ी को देख रहे हैं तो जैसा सोचा था उससे 21 गाड़ी। थैंक यू सो मच। आपका जो इनिशियल फ्लोर प्लान था, जो आपका रिक्वायरमेंट था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारी बात हुई थी जिस दिन आप आए थे शिवरात्रि वाले दिन, तो उस दिन आपने जो हमारी दूसरी गाड़ी है विंसी, उसके फ्लोर प्लान पे आप जाना चाहते थे। बट करते करते अब जो हमने ये आपको बेड दिया है, क्योंकि विंसी में एक ड्रॉप डाउन बेड था और इसमें दूसरा एक्चुएटर बेस बेड है, तो आपको लगता है कि अगर आप वो बेड ऑप्ट करते वो बेटर रहता, या आपको लगता है जो अभी का फ्लोर प्लान है वो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगा? ये ज्यादा बेड इसका फ्लोर के बजाय। और जो आपका इनिशियल विजन था, क्योंकि मुझे याद है जब हमारी बात हुई थी स्टार्टिंग में, तो आपने कहा था कि आपको गाड़ी ऐसी चाहिए कि वो बिल्कुल एक्स्ट्रा लग्जरियस भी ना हो, कि किसी को देख के ही लगे कि नहीं हम तो ले ही नहीं सकते, और ऐसी भी ना हो कि बिल्कुल पुराने जमाने की लगे। तो जो ये एस्थेटिक है गाड़ी का, जो ऐसी लुक है, वो आप सैटिस्फाइड है फर्स्ट इम्प्रेशन में? अभी तो आपने यूज नहीं किया। सैटिस्फाई से भी ज्यादा सैटिस्फाई, क्योंकि एक्चुअल में कोटा एक मेट्रो सिटी नहीं है, छोटा शहर है, और छोटे शहर तो वहाँ के बजट के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं चाह रहा था। अपन चाहते तो इन्हीं सीटों को और ज़्यादा मोर देन कितना भी लग्जरियस कर सकते, बट वैसे में हमारे लोग उसको अफोर्ड कर पाते नहीं कर पाते, दोनों बातें। और आप पहली बार ही शायद आपने गाड़ी देखी है, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला जो आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले केवल मैंने सुना ही था इसके बारे में, देखा नहीं था। और फर्स्ट टाइम से मेरा जब मैं इस तरह से, और भी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं अभी, जैसे हम ही इससे पहले ही, वीडियो से पहले ही हम लोगों ने आपको जैसे बेड ट्राई कराया, तो वो जो बेड है ड्रॉप डाउन बेड, उसका कंसेप्ट आपको क्या लगता है कि लोगों को यूज़ करने में ईजी लगेगा, या लगेगा कि नहीं ये कुछ हम नहीं यूज़ कर सकते? नहीं, ईजी है, मतलब आपके अकॉर्डिंग यूजर एक्सपीरियंस है। और आपका, जैसे आपकी बात मेरे बाद डैड से ज़्यादा हुई है, पापा से ज़्यादा हुई है, तो बातचीत करने में आप रेट तो नहीं, मतलब क्या रेट करेंगे तो नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है बातचीत के मामले में, कि आपने जो कुछ चीज़ बताई कि मुझे ऐसा चाहिए, क्या हम वो समझ पाए, पहला? और दूसरा, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका ड्यूरिंग द कोर्स, जब बिल्डिंग चल रहा था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, संजय भैया से और आपसे मिलने से पहले मैं इस चीज़ पर लगभग
साल भर से काम कर रहा था। उस बीच में मैं इंडिया के लगभग 10-12 मैन्युफैक्चरर से संपर्क में आया, 2-3-4 से तो मैं वर्बली जाके मिला, बट कहीं भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला। पहली बार वो चाहे आपसे मुलाकात हो, फोन पे हमारी बात हुई थी पहली बार, उसके बाद जब संजय भैया से मिले तो सब कुछ जो मैं चाह रहा था उनकी बातों में मुझे वो मिल गया। और उसके बाद जब गाड़ी बनी तो हम हर पॉइंट पे एक दूसरे से चर्चा करते रहे थे। बहुत उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इसमें, उन्होंने हर चीज़ मैं कुछ और मांग रहा कुछ भी तो उन्होंने कहा नहीं गिफ्ट ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से हैं इस लाइन में काम कर रहे हैं, बना रहे हैं कई सारे प्रोजेक्ट में, तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा इसको बनाने में। मतलब ऐसा कहीं लगा ही नहीं पूरे प्रोसीजर में कि अपन नई जगह गए, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अपन बाहर किसी से बनवा रहे हैं या कहीं कुछ, ना कोई पैसे का इशू ना कोई वो, तो हर तरह से वेल सेटिस्फाइड। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा ही आगे जाके भी फील होता रहे। और ऑडियंस मेंबर्स, अभी क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन है देवेंद्र जी और श्रद्धा जी का, तो हम सिर्फ इस इंटरव्यू को यहीं तक रखेंगे, बट जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वील ट्राई कि हम कोटा आ सके, और आप जब इस गाड़ी को यूज़ कर लेंगे तो जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है, आपने पूरे समय गाड़ी को यूज़ किया, एक एक चीज़ आपने यूज़ करी, आराम से संतुष्टि से यूज़ करी, उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो लेने हम दोबारा आप लोगों से मिलने आएंगे कोटा में ही। होपफुली मोस्ट वेलकम है साहब आपका कोटा, और कोटा हमारा बहुत सुंदर शहर बनने जा रहा है, इवन कि भूटान के थिम्पू के बाद में वो इंडिया का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री शहर होने जा रहा है, और वहाँ चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है जो इंडिया में किसी भी जगह ऐसा रिवर फ्रंट नहीं, मतलब कोटा एक देखने वाली सिटी होगी आने वाले टाइम में। और ऐसे में अपनी गाड़ी वहाँ जा रही है, हम लोग हैं ही वहाँ के, और बनाने को इसे पर्सनल नंबर पे भी बना सकते थे, बट 3 नंबर में बनाने का एक ही मतलब है कि अगर हम पूरी फैमिली वाले भी जाएंगे तो साल भर में हम 30 दिन घूम सकते, तो क्या वो गाड़ी 52 वीक में से सिर्फ 4 और 5 वीक हम घूमेंगे, बाकी टाइम खड़ी रहेगी, उसकी बजाय क्यों ना वो वहाँ के लोगों को इंजॉयमेंट के लिए उपलब्ध हो। बिल्कुल, तो ये सोच के इसको टैक्सी नंबर में बनाया गया है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, ये जो गाड़ी है दिस इज अवेलेबल फ्रॉम कोटा, अगर आपको फर्दर रेंट करना है इस गाड़ी को, इसकी जो सारी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी। और साथ ही में ये एक और चीज़ है जो हम बोलना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी को इन्वेस्ट, एक इन्वेस्टमेंट है गाड़ी, अगर आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा आप पूरे साल गाड़ी को नहीं यूज़ कर सकते, तो क्यों ना अगर आपको वो गाड़ी एक कुछ इन्वेस्टमेंट अर्न करके दे रही है, आपका इन्वेस्ट किया हुआ रिटर्न करके दे रही है, तो इट इज़ बेटर कि आप इसको कमर्शली अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। आप प्राइवेट भी ले सकते हैं, कमर्शियली भी ले सकते हैं। एंड अगेन शाइलो, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपने इसका वॉक थ्रू तो देख ही लिया होगा, इसका रिव्यू देख लिया होगा, तो शाइलो इज करंटली अवेलेबल। सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी। एंड जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, कोटा अभी आने वाले समय में और डेवलप होके बहुत ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस बनने वाला है, एक ट्रैफिक लाइट फ्री जोन जो है वो होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हम अगर पहाड़ों में भी जाते हैं कई जगह ऐसी है जहाँ पे हमें ट्रैफिक मिलता है, तो उससे मैं ये समझ सकती हूँ कि हाँ हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा और जगह इतनी सुंदर होंगी कि आप वो चीज़ें देख सकें और उनको नेचर में रह के उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें, जो कि अगर कोई कैरवान रेंट करता है तो उनको सबसे ज़्यादा यही चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि हमें एक होटल मिल जाए जिसके अंदर हम गाड़ी पार्क कर सकें, उन्हें ये चीज़ चाहिए कि हम गाड़ी को ऐसी जगह पार्क कर सकें जहाँ हमें पूरी सीनरी जो है वो हम देख भी सके, उसे एक्सपीरियंस भी कर सके। तो दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ दिस इंटरव्यू। चला के देखिए, फिर कुछ दिन बाद फिर आप आई हैं। हाँ, अब इनको अच्छा लगे, हमें बहुत अच्छा लगे, हम यहाँ आए तभी आप भी वहाँ बता ताकि बाबू खास डांट पड़वाऊँ। The vibe on the sky and here are somewhat similar.